हेलो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया है अब आपको मेरे इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आज मैं पहला चैप्टर लेकर आई हूँ क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए अलेटर टू गॉड तो इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वॉट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि रेन ड्रॉप्स की कंपैरिजन किस चीज़ से करी गई है और क्यों करी गई है तो आंसर है रेन ड्रॉप्स आर कम्पेयर टू न्यू कॉइन्स ड्रॉप की कंपैरिजन नए सिक्कों से करी गई है टेन सेंट के सिक्कों से और फाइव सेंट के सिक्कों से ठीक है इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट ये सिम्बोलाइज कर, करते हैं अच्छी फसल को और अच्छी फसल का मतलब होता है अच्छा पैसा या अच्छी पैदावार या अच्छा प्रोडक्शन आप कह सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पर नरेटर ने रेन ड्रॉप्स की कंपेरिजन जो है वो कॉइन से करी है स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर कि लेंचो को गुस्सा क्यों आया है जब उसने उस लेटर को रिसीव किया तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर रेज ओनली सेवेंटी पेसोस विच ही सेंड टू लेंचो तो इसका मतलब यहाँ पर यह है पोस्ट मास्टर केवल सेवेंटी पैसे का ही अरेंजमेंट कर पाया था लेकिन लेंचो को उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी ठीक है तो सपोजली फ्रॉम गॉड है ना क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन तो हंड्रेड की करी थी लेकिन यहां पे पोस्ट मास्टर का अरेंजमेंट केवल सेवेंटी का हो पाया दैट्स ही वेरी एंग्री एंग्री सो लेंचो टू फाइन थर्टी द अमाउंट ही आस्ट उसनेड्रेड की मैंने आपको बताया हंड्रेड की रिक्वायरमेंट थी लेकिन सेवेंटी का अरेंजमेंट हुआ तो उसको लगा कि ये तो बहुत गलत है गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सो ही वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एट कैप थर्टी पैसो सेंड टू हिम बाई गॉड तो उसने सोचा कि ये जो है पोस्ट uh, पोस्टमैन वगैरह जो है ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे थर्टी पैसों जो है उन्होंने चुरा लिए हैं या उन्होंने मेरे थर्टी पैसों का नुकसान मेरे को करा दिया दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे तो क्योंकि उसको फुल एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हंड्रेड पैसोज की रिक्वायरमेंट मेरी है तो डेफिनेटली गॉड क्यों मेरे को पूरे पैसे नहीं देंगे जब उन्होंने सेवेंटी भेजा तो थर्टी भेज सकते हैं इसीलिए जो था लेंचो वो बहुत ज़्यादा नाराज था मैं केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर इस चैप्टर के लेकर आई हूँ कम से कम आप इतना जरूर कर लीजिएगा बाकी आप चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल पर जाके अच्छे से देख सकते हैं ये तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आप इसकी सीरीज पर बच जाइएगा क्यों क्योंकि मैंने ये गूगल पे से फाइंड आउट करें है, कुछ हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहां पर ठीक है और इसके अलावा मैं और भी चैप्टर्स के लिए भी आपको तैयारी करवा दूंगी तो आप प्लीज इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं क्या है तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और अ बेंच ऑफ क्रूक्स कि आपको क्या लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे फ्रॉड हैं या सारे के सारे फ्रॉड पीपल का ग्रुप है तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो दे वर काइंड ऐसा एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वो सबके सब के बड़े काइंड थे जनरस थे और हेल्पफुल पीपल थे द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ इज सैलरी एंड मोटिवेटेड इज फ्रेंड्स एंड कलीग्स फॉर अ चैरिटेबल कॉज इनफैक्ट पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो था वो डोनेट किया था प्लस उसने अपने फ्रेंड्स और कलिस को मोटिवेट भी किया था कि वो एक चैरिटेबल कॉज के लिए पैसा इकट्ठा करें और उन सब लोगों ने मिल के यहाँ पे उस व्यक्ति की मदद की थी सो दे वर नॉट बंच ऑफ क्रुक्स इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो लोग जो थे वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे यानी कि वो डिसऑनेस्ट पीपल नहीं थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज की वाइडेड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस अब देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको रेन ड्रॉप्स uh, की कॉइन से कंपेरिजन वाला बताया था वो तो अलग है लेकिन यहाँ पे लेंचो जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन क्यों कहता है ये आप समझिए दोनों में डिफरेंस है ध्यान रखिएगा सो इसमें क्या है कि लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस की रेन ड्रॉप्स जो थी वो बिल्कुल नए सिक्कों की तरीके से थी ऐसा इसलिए था तो बेसिकली यहाँ पे दो रीज़न बताए गए हैं पहली बात तो ये कि इट वाज बिकॉज द रेन ड्रॉप्स को गुड कॉज गुड हार्वेस्ट दैट इज फील्ड नीडेड द मोस्ट पहली चीज तो ये कि रेन ड्रॉप्स जो है अच्छी प्रोडक्शन का कारण बन सकती थी जिसकी रिक्वायरमेंट उसकी फसल को ज्यादा थी पहली बात तो ये हो गई दूसरी चीज ये है कि फर्दर द रेन ड्रॉप्स एड अ ब्राइटनेस लाइक अ लाइक न्यू कॉइंस और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि रेन ड्रॉप्स में बिल्कुल नए सिक्कों जैसी चमक थी ऐसा इस जगह पर बताया गया है ठीक है स्टूडेंट्स दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर तो देखिए ज़रा हु और वॉट डिड लेंचू है फेथ इन लेंचो का किस चीज़ में विश्वास था और क्या विश्वास था एंड वॉट डिड ही डू और फिर उसने किया गया तो आंसर है इसका कि लंचू है डी फेथ इन गॉड के लेंचो का सबसे बड़ा पत्का भरोसा जो था वो भगवान में ही था तो ही बिलीव डेट गॉड वुड हेल्प देम ऑल उसको पता था कि भगवान कहीं ना कहीं से उसकी मदद जरूर करेगा नोवन वुड डाई ऑफ हंगर एज ही सीज एवरीथिंग क्योंकि वो अपने चारों तरफ देखता था कि कोई भी व्यक्ति भूखों भूख भुक की वजह से नहीं मरता था क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर देता था इसीलिए उसका भगवान के ऊपर एक अंधविश्वास था देखा जाए तो एक ब्लाइंड फेथ लेके चल रहा था यहाँ पे सो लंच यू डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड इसी विश्वास को सामने रखते हुए उसने एक लेटर लिखने के लिए तैयारी करी अब इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आई हूँ उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर की पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी एंड वाई ही साइन द लेटर गॉड और उसने एंड में गॉड के नाम से सिग्नेचर क्यों करे तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी जेनरस जेनरस मीन होता है काइंड कि पोस्ट मास्टर बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ जो गॉड में है वो डगमगाए वो नहीं चाहता था कि उसका फेथ भटके भगवान की तरफ से इसी

तो इसी तरीके के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।